पागल है सचमुच वो लड़की, एकदम पागल है। उसकी यही बातें तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती थी। ऐसा लगता है जब से इस घर से गई है, इस घर से खुशियां ही चली गई हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। वैसे हमारे प्यारे इलेश भैया नहीं आए अभी तक, आज उनका इंटरव्यू था ना। इसमें कौन सी नई बात है? इलेश भैया और मुझ में यही तो फर्क है, मैं रोज सुबह कॉलेज के लिए जाता हूँ और वो रोज सुबह इंटरव्यू देने जाते हैं। रजनी दी प्लीज, दीपक ने इतनी बात की और अब हंसी तक नहीं, क्या हुआ है? तुम थी ना सुबह, तुमने देखा ना क्या हुआ। दी आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, इंदर भैया ने बड़े मामी से कुछ ज्यादा ही कह दिया। जानती हूं इसीलिए तो परेशान हूं। इसी बात का डर लग रहा है मुझे कि इसी तरह चलता रहा तो माँ और इंदर के बीच में दीवार खींच जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी, आप प्लीज इंदर भैया को समझाइए ना कि अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करे। क्या समझाऊं मैं, अभी भी देखो ना ऑफिस से आए नहीं, कहीं जाके बैठे होंगे। दो बार फोन कर चुकी हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे। उनका गुस्सा तो तुम लोग जानते ही हो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू? आ गए आप इंटरव्यू देके। मायसेल्फ इलेश भारद्वाज, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, भारत भर में दो ही तो मशहूर भारद्वाज है, एक कमीने वाला विशाल भारद्वाज और दूसरा ना कमाने वाला इलेश भारद्वाज। आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सच पूछिए तो हम आपका मजाक ही उड़ा रहे हैं। ओके ओके ठीक है। आप लोगों को पता है मैं आज एक बहुत जबरदस्त इंटरव्यू देके आया हूँ। अच्छा, मिल गई नौकरी? नहीं, उन्होंने कहा कि they'll get back to me, मतलब मुझे खबर करेंगे वो लोग। बस दो दिन में यहाँ टेलीफोन की रिंग बजेगी और मेरे बारे में पूछा जाएगा, क्या मिस्टर इलेश भारद्वाज यही रहते, और देखना मेरा काम बन जाएगा। पर भैया नाम पूछने के बाद वो ये तो नहीं कहेंगे कि आगे से उन्हें प्लीज इंटरव्यू पे मत भेजिएगा? अबे भैया, भैया कौन? सुहाना मैं हूँ, ईशान। ईशान तो पासवर्ड बोलो। हाँ हाँ, अरे याद है मुझे पासवर्ड, गब्बर। यस नो नो ईशान, पासवर्ड गब्बर नहीं था, तुमने गब्बर बोला था, मैंने डिस्कार्ड किया था। अरे सुहाना यही था पासवर्ड, चलो खोलो दरवाजा अभी। नो, ये पासवर्ड नहीं था। तुम दरवाजा खोलो, गब्बर ही था पासवर्ड। तुम ठीक से सोचो ना, याद करो, पासवर्ड गब्बर था। ईशान को कॉल करती हूँ। ईशान का नंबर इतना बिजी क्यों आ रहा है? वेट, आई थिंक मुझे खुद ही याद करना पड़ेगा। पहले ईशान ने कहा गब्बर, गब्बर कहा तो मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया। देन उसके बाद मैं, उसने कहा ठाकुर, ठाकुर में वो मजा नहीं था। फिर सोना प्लीज दरवाजा खोलो, तुम पासवर्ड गब्बर ही था, प्लीज बिलीव मी। OMG, ये तो सच में चोर है, कहीं ये डोर ब्रेक करके मेरे घर के अंदर आ गया तो। और जेपी, दिल्ली फोन करता हूँ, पर वहां से बोलेंगे ना तो सुहाना दरवाजा जरूर खोल देगी। हेलो इलेश भैया, मैं ईशान। अरे ईशान, 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 एक मिनट, ईशान, ईशान कैसे हो? अरे सुहाना से बात करवा। हाँ हाँ बात करवाता हूँ, पहले मेरी बात तो हो जाए सुहाना से। ईशान भाई, इलेश भैया आज 1756वीं बार इंटरव्यू देके आए हैं। एक मिनट, अरे आप लोग पहले मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, लगता है कोई परेशानी है। हाँ, एक मिनट, इलेश से बात करो।
ईशान मेरे भाई सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। लेज भैया आप एक काम कीजिए, सुहाना को फोन करिए और इसे बोलिए कि मैं यानी ईशान दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो दरवाजा खोल दे प्लीज। क्या तू दरवाजे के बाहर खड़ा है? क्यों? अरे बाप रे, कहीं दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे 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 ईशान, तेरा झगड़ा हुआ क्या सुहाना से? अरे नहीं झगड़ा नहीं, पासवर्ड पासवर्ड का चक्कर है ये। क्या? सब समझ गया मैं, सब कुछ समझ गया। तू एक काम कर, तू वही रुक जा, मैं अभी फोन करता हूँ सुहाना को, ठीक है? ओके ओके ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे सब ठीक भी है, सब ठीक नहीं भी है, पता नहीं क्या है। पर वो क्या? अरे हेलो 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 इलेश भैया, थैंक गॉड आज आपको करेक्ट टाइम पे मेरी याद आई है। सुहाना याद आई नहीं है, याद दिलाई गई है। मतलब? अरे तुम एक काम करो, सबसे पहले जाके दरवाजा खोलो, ईशान खड़ा है वहाँ पे। आपको कैसे पता? उसका फोन आया था यहाँ। OMG, मतलब पासवर्ड गब्बर है। इलेश भैया मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे ईशान को डोर ओपन करना है। बाय 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 बाय। ईशान ईशान वाज इट रियली गब्बर? देखो सुहाना, आज के बाद ये पासवर्ड वासवर्ड का नाटक नहीं चाहिए मुझे, समझी तुम? या इट्स नॉट वर्किंग। गॉड, सुहाना भाभी को क्या क्या सोचती रहती है। सचमुच ये दुनिया भर की अतरंगी चीजें उसे कैसे सोचती है पता नहीं। कसम से पासवर्ड जैसा आइडिया तो सिर्फ सुहाना को ही आ सकता है। मजे की बात तो ये, ईशान भाई और सुहाना भाभी एक दूसरे को फोन करके बुला सकते थे पर नहीं। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सुहाना देवी की तो पागल है सचमुच वो लड़की, एकदम पागल है। उसकी यही बातें तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती थी। ऐसा लगता है जब से इस घर से गई है, इस घर से खुशियां ही चली गई हैं। सुहाना भाभी इस घर में थी तो इस घर में कितनी रौनक थी, हम लोग कितनी मस्ती करते थे, कितना हंसते थे। और अब भाभी, सुहाना भाभी की बहुत याद आती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।